देख पाएंगे। मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल एक ऐसी फिल्म है, एक एस्पिरेशनल फिल्म है, रियलिटी फिल्म है, जैसी मेरी अन फिल्म रही है वो दिखाती है, सच्चाई दिखाती है कि कैलेंडर गर्ल्स क्या है मुंबई शहर में, जब लड़की अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्रांत से आती है और वो कैलेंडर गर्ल बनना चाहती या एक स्टार बनना चाहती है, तो 5 लड़कियाँ आती है मुंबई शहर में और कैलेंडर गर्ल्स का पूरा जो एक जर्नी है कि कैलेंडर गर्ल्स बन जाती है, उसके बाद जो जर्नी है ये वो दिखाता है। और जो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा कहा है, जैसे आपने कहा है कि सच्चाई है, हकीकत है, और मैंने बहुत अच्छी तरह इसको ब्लेंड किया है, फिक्शन और सच्चाई के बीच का जो कॉम्बिनेशन है और जो अलग फिल्मों में देखने मिला वो आपको कैलेंडर गर्ल्स में देखने मिला। एक और सवाल है मेरा, सवाल ये है कि कहा जाता है कि इस फिल्म में ग्लैमरस तो है ही, साथ में पैसा भी बहुत है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन की भी बहुत सारी बात कही जाती है। मेरे ख्याल से जो आपने मुद्दे जो मुझे कहा है, जो सवाल पूछा है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि कहीं जो सच्चाई है, जो मैंने हमेशा फिल्में बेबाकी से बनाई हैं, चाहे वो मैंने हीरोइन बनाई हो, फैशन बनाई हो, ट्रैफिक सिग्नल बने हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे फिल्म बनाई हो, मैंने हमेशा बेबाकी से चीज़ सामने रखी है। और कैलेंडर गर्ल में भी वो हकीकत है, वो सच्चाई है, जो मेरे ख्याल से जो एक कॉमन मैन है जो हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में हो वो देखना चाहेगा, एक जिज्ञासा है कि वो कैलेंडर गर्ल्स है क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लोग कहाँ से इससे जुड़े होते हैं, किस तरह से लोग आते हैं इससे। कैलेंडर गर्ल का जब सिलेक्शन होता है, कहीं 100-200 लड़कियाँ ऑडिशन होती है, कई लोग इससे जुड़े होते हैं, उसमें से 5 लड़कियाँ सिलेक्ट की जाती है और क्या होता है उनके साथ या उनकी जर्नी क्या होती है एक बार कैलेंडर गर्ल बनने के बाद वो दिखाते हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं फिल्म कभी बनाता हूँ ये नहीं सोचता हूँ नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड है या पॉपुलर अवार्ड है। मेरे ख्याल से फिल्म जो बनती है वो एक कन्विक्शन से बनती है, एक फिल्म मेकर के कला से बनती है, एक उसकी जो थॉट से बनती है। मुझे अच्छा लगा कि सब्जेक्ट मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी ने बनाया नहीं हिंदुस्तान में, और कैलेंडर गर्ल्स का जो हमेशा एक हवा बना हुआ है या हमेशा उसकी हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि कैलेंडर गर्ल ये, कैलेंडर गर्ल वो, कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, कई बड़ी बड़ी स्टार्स बनी है, कई जो ऐसा भी है कि कैलेंडर गर्ल से कैलेंडर बनने के बाद कुछ नहीं हुआ उनका, ऐसी भी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से वो हकीकत है, जो सच्चाई है आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी।